सेक्युलर टाइगर वर्सेस अपीजमेंट टाइगर. अपीजमेंट टाइगर इज डेफिनेटली ममता बनर्जी और उसके उदाहरण बहुत हैं. उनमें सबसे ज्यादा उदाहरण जो बार बार आता रहता है, जस्ट टू नेम इट, कि हम अपीजमेंट टाइगर क्यों बोल रहे हैं उनको, ना तो कल कोई उठ के आ जाएगा पूछेगा आपने क्यों बोला. अपीजमेंट टाइगर इसलिए है, इमाम लोगों को जो मंथली सैलरी देना, साइकिल्स टू ओनली मुस्लिम गर्ल्स, मुस्लिम हॉस्पिटल की कल्पना करना, ओनली द मुस्लिम्स कैन गो. फिर गुजरात की तो बात करते हैं मगर भूल जाती हैं ममता बनर्जी कि दे गंगा में क्या हुआ था. टॉनमी पे ध्यान देंगे और जो इन्वेस्टिगेशन करके जो आपके सामने तीनों चीज रखी है, तीनों स्कैम, चाहे वो शारदा हो, चाहे वो टेट का हो, चाहे वो त्रिफला लाइट्स का हो, उन सब पे होगी और गिल्टीज विल बी पनिश्ड एज पर द लॉ. देखिए ये इलीगल इमिग्रेशन एक्ट है. केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार आई उसने ओनस रख दिया सरकार के ऊपर कि आप बताएंगे कि यस और यू विल प्रूव. इसका विरोध बीजेपी ने किया था. ये एक्ट में संशोधन की आवश्यकता फिर से है और किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट करके डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है वो मैटर ऑफ डिटेल है, मगर एज पर लॉ हम लोग करेंगे और जो शरणार्थी हैं उनकी जगह जो भारत में है उनको स्थान मिलेगा और जो घुसपैठी हैं उनको जो स्थान है वो भारत की बाउंड्री के बाहर दिया जाएगा. नो इट्स देयर इज नो डबल स्टैंडर्ड बट इट बिकम्स अ गुड पीस फॉर द मीडिया नॉट फॉर बीजेपी. आवर स्टैंड इज वेरी वेरी क्लियर दैट देयर इज नथिंग प्री पोल नॉ पोस्ट पोल विथ टीएमसी. बट यस फॉर द डेवलपमेंट, फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी सरकार केंद्र में रहेगी. हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी राज्य के साथ, बी इट बंगाल, बी इट बिहार, बी इट असम और बी इट छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश. हर राज्य को जो आवश्यकता है उसका प्रॉपर एक आकलन करने के बाद, जजमेंट के बाद वी विल टेक अ कॉल. बट वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेट विच आर सपोर्टिव ऑफ द सेंटर और दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सेंटर. हमारा वो कोई नहीं लक्ष्य रहेगा. तो फिर ना बंगाल नीड्स डेवलपमेंट, बंगाल नीड्स स्ट्रेंथनिंग फ्रॉम द सेंटर. सो वी विल लुक इन टू इट विदाउट एनी क्विड प्रो को. Cleaning, some called it religious also, but there it's a fact that people of Assam have suffered. And jo center mein government hai aur jo raj mein hai Congress ki government, they have kept quiet, they have not taken appropriate actions and punished the guilties or even raised the voice the way they have raised for Gujarat. Therefore the accusation is very correct that Congress in state and in center have played and are playing vote bank politics. It's unfortunate. On many occasions, the INB minister, the youth minister, has spoken about the autonomy of Prasar Bharati. Unfortunately, this episode, which is reference to the interview of Narendra Modi ji, has exposed the youth INB minister of his double speak and what the CEO of Prasar Bharati has said exposes the double standards being followed by the INB ministry. So it's an unfortunate and it's highly condemnable.
Well, I haven't really seen it. It's the first time neither any of the papers in Calcutta have spoken about it or written about it. So I can't really say anything. I'm not challenging what is being shown or your question. So till I don't look in, I will not be in a position to comment. But certainly if there is any comment, I'm sure somebody from the state unit of Uttar Pradesh will be reacting. They'll definitely be giving you a structured response. Thank you.